हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर सिक्स चैप्टर ऑफ बुक हनीकॉम ग्रेड 7 एंड आवर सिक्स चैप्टर नेम इज़ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। निशाद अ बॉय ऑफ 7 आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मींस द 7 नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निशान जो कि एक लड़का है उसका नाम 7 है बिकॉज उसके नाम का जो मीनिंग है वो म्यूजिकल स्केल में सेवेंथ नोट है इसलिए उसका नाम 7 भी है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी जो सिस्टर 10 years की माया है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रेंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम। और एक दिन क्या होता है, बच्चों का जो कंचा या मार्बल्स होता है वो मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और निशाद जो रहता है उसको एक चांस मिल जाता है उनको देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्क्रैच? क्या वो एक भागा हुआ चोर या फिर क्रॉक है? उसका चेहरा जो है वो इतनी बुरी तरह से उसके चेहरे पर इतनी बुरी तरह से मार्क्स कैसे हैं? उसका चेहरा इतना खरोचा हुआ क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड? उसके पास कोई दोस्त क्यों नहीं है? निशाद मदर्स अ डॉक्टर नोन मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। निशाद की मम्मी जो कि एक डॉक्टर हैं वो मिस्टर नाथ को बहुत अच्छे से जानती हैं जो कि वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत विनम्र हैं। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। निशाद जो कि क्लिनिक की तरफ जा रहा है वो माया से बोलता है कि उसने कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा जो कि मॉन्स्टर की तरह हो। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। और जो माया और निशाद हैं वो दोनों अपनी मम्मी के क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तभी उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा और वो सोचे क्या कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और माया ने बोला क्या हो सकता है कि वो बहुत गरीब हैं और वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ही कांट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रोक ऑन द रन। और वो गरीब नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं लगता कि वो गरीब हैं और मुझे तो वो भागे हुए क्रोक लगते हैं। आई टोल्ड हिम ही इज़ प्रॉबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिलियंस रुपीज़ जो हैं उन्होंने छुपा करके कहीं अपने रूम में रखे हैं। डू यू रियली थिंक्स ही इज़ अ क्रिमिनल माया? निशाद जो है माया से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक। निशाद लुक डाउटफुली, फिर निशाद जो है वो माया की तरफ देखता है और बोलता है क्या कि मुझे तो वो ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं दिखता। ऑफ़ कोर्स ही इज़ 1-7 आई सेड। और माया बोलती है कि ऑफ कोर्स वो मुझे ऐसे ही कुछ लगते हैं। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग। और फिर वो बोलती क्या कि मुझे तो नहीं लगता कि वो स्टार्विंग मतलब भूखे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टूअर्स। और मिस्टर मेहता जो हैं उन्होंने उसको बताया है कि जो रमेश है वो उनके लिए डेली खाना लेकर के आता है उस रेस्टोरेंट से जो कि नीचे सीढ़ियों के पास नीचे है, सीढ़ियों से उतर के नीचे साइड में है रेस्टोरेंट। बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर सो ही कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। निशाद से निशाद बोलता है क्या कि माया उन्होंने मिस्टर मेहता ने मुझे ये भी बताया कि वो कहीं काम नहीं करते हैं बट उनके पास फिर पैसा कहाँ से आता है
फूड को पे करने के लिए. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी हिडन समवेयर मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम इट प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड्स एंड ज्वेल्स एंड. और फिर जो माया रहती है उसने वो बोलती है कि एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि उसके पास उसने ढेर सारे पैसे कहीं छुपा रखे हैं किसी ट्रंक में और अपने कमरे में उसके पास ढेर सारे सिल्वर्स हैं गोल्ड्स हैं और ज्वेल्स हैं जो कि उसने छुपा रखे हैं अपने ट्रंक में. व्हाट रबिश, निशात इंटरप्टेड. निशात बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो. आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम. By the way, Seven, did you see his scars? और फिर जो माया रहती है वो बोलती है मुझे पता है मैं सही हूँ stupid. फिर मैंने उससे बोला क्या कि by the way, Seven, ये बताओ क्या तुमने उसके चेहरे के scars को देखा है. I could not. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or someone, something. और फिर जो जो सेवन रहता है वो बोलता है क्या कि नहीं मैंने उनके डास को मैंने उनके स्टार्स को नहीं देखा है बिकॉज बहुत अंधेरा था और हो सकता है कि उनके जो चेहरे पे मार्क्स या जो उनके स्टार्स या चेहरे पे जो निशान आया है वो ड्यूरिंग जो पुलिस के टाइम पे जो शूट आउट हुआ होगा उसके दौरान हुआ होगा या फिर वो किसी और तरीके से उनके चेहरे पे स्टार्स आया होगा. Mama told us quite clearly they were born scars. Nishad said firmly. Nishad ने बोला कि मम्मी ने मुझे बताया है कि जो मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो निशान है वो जलने के हैं वो उनका चेहरा जो है वो जल गया था. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. और फिर या तो ये हो सकता है कि पहले तो उनको पुलिस उनके जो चेहरे पर निशान है हो सकता है कि पुलिस की शूट आउट उनके चेहरे पर निशान पड़ा हो या फिर मम्मा ने बोला है क्या कि उनके चेहरे पर जो निशान है वो जले हुए हैं जलने का निशान है तो हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर को जला दिया होगा और उस जलाने उनका घर जब जलाया होगा तो इसलिए जलाया होगा ताकि वो अपने घर से बाहर आएँ और वो उनको पकड़ ले. बट सेवन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अनश्योर था. सेवन मीन निशाद जो था वो काफ़ी अनश्योर था माया की बातों से. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक्स एट गिरिगांव. और फिर मंडे जो आने वाला था वो निशाद और माया की मम्मी का बर्थडे था इसलिए जो सेवन था वो अपनी मम्मी के साथ उनके क्लिनिक चला जाता है. एज़ आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड. और फिर मैं शाम में ही अपने घर पर रुक जाती हूँ क्योंकि मेरी स्कूल की फ्रेंड जो है वो मेरे साथ शाम में मेरे घर पर रहती है. व्हेन दे रिटर्न निशाद टोल्ड मी ही डिड बीइंग टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर. और फिर जैसे ही शाम को निशात वापस आया उसने मुझे बताया कि उसको एक मौका मिला कि वो मिस्टर नाथ से मिल सके या मिस्टर नाथ को देख सके. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ अपियरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. और जो सेवन था उस वो उनके अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया और वो इस चीज़ से उसको ये श्योर हो गया कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भूखे रहते हैं वो खाना वाना नहीं खाते हैं वो स्टार्विंग पर हैं. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर्स दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. और फिर उस शाम उसने उनके दरवाजे पर बहुत ज़ोर से नॉक किया और लाउडली बोला क्या कि दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ जल्दी. द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. और मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या कि क्यों तुम्हारा फिर से कोई कंचा या फिर कोई मार्बल तुम्हारा खो गया है.
ही हैड ऑब्वियस रिकॉग्नाइज माई ब्रदर. माया बोलती है क्या कि अच्छा उन्होंने तुम्हें मतलब पहचान लिया. नो सेड निषाद. निषाद ने बोला नहीं. ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट. और फिर उन्होंने निषाद के हाथ में एक चॉकलेट का बार रखा और फिर वो अंदर चले गए. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन आई आस्क्ड. और फिर माया ने उसे पूछा निषाद से कि क्या तुम्हें चांस मिला उनके ट्रंक में झांकने के लिए. निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड. ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन ही सेड. और निषाद बोलता है क्या कि निषाद जो रहता है वो काफ़ी डिसअपॉइंट रहता है और वो बोलता है क्या कि उसने तो मुझे अंदर आने के लिए पूछा भी नहीं. देन ही स्माइल बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम. और फिर निषाद बोलता है क्या कि मैंने कुछ आई डिड फाइंड आउट समथिंग. मैंने कुछ खोज निकाला है माया. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. और मैं उस रेस्टोरेंट में गया नीचे जहाँ पर रमेश काम करता है और मैंने उससे बात की. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. और फिर मैंने निषाद से बोला बहुत अच्छा Mr. Detective, I said. और फिर मैंने उसकी पीठ थपथपाई और फिर मैंने बोला क्या कि तुमने उससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes two meals for Mr. Nath every morning and evening and two cups of tea. और सेवन ने बोला क्या कि वो काफ़ी ज़्यादा प्लीज हुआ, खुश हुआ जब रमेश ने उसे ये बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए दो टाइम्स खाना ले जाता है, एक सुबह में और एक शाम में, और दो कप चाय. वन इन द वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, रमेश सेज. और फिर उसने बताया कि वो विश्वनाथ के लिए चाय ले जाता है एक सुबह में और एक आफ्टरनून में. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल. और फिर जो रमेश है उसने बताया गया कि जो मिस्टर नाथ है वो अपने खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर नहीं थे. वो अपने खाने को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चूजी नहीं थे. वो जो भी खाना खाते थे वो बहुत सिंपल था. वो दो रोटी, थोड़े से दाल और सब्जी, और वो अपने खाने के जो पैसे हैं वो कैश देते थे और वो जो उसको टिप देते थे वो काफ़ी अच्छा देते थे. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. और सेवन एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम्स एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम. रमेश ने फिर उसको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रेन, बहुत अजीब सी चीज़ें बताई क्या कि हर संडे को वो दो लंच बॉक्स लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और जो कि जो मैन आता है उसके यहाँ मिस्टर नाथ के रूम पर या उनके कमरे पर आता है वो सेम आदमी रहता है जो कि उनके रूम पर हर संडे को आता है. ही स्टॉल फेयर स्नाउट एंड वी स्पेक्टेकल्स. और जो मिस्टर नाथ के रूम पे जो पर्सन या जो मैन आता है वो सेम पर्सन रहता है. वो वही आदमी जो रहता है वो टॉल फेयर, उसका कलर रहता है गोरा रहता है और वो चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नॉर्थ हु हार्डली टॉक स्पीक्स. और रमेश क्या बताता है कि जो विजिटर उसके यहाँ आते हैं, जो उसके यहाँ संडे को आदमी आता है, वो बातें बहुत करता है, बट जो मिस्टर नाथ हैं वो हार्डली बहुत कम बोलते हैं. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट
वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वील हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रॉप। और फिर जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है क्या कि बहुत अच्छे निशाद, हमने अभी तो अपने जो इंक्वायरी है हमने उसमें थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है और हम अब इसको और जल्दी अपने क्रॉप को पकड़ने में और इसको ट्रैप करने में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और हम उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। How you do go on Maya? Seven sign. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. और फिर निषाद जो रहता है वो माया से बोलता है हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे और ये हम उसको कैसे पॉसिबली इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक क्रोक है, वो एक क्रिमिनल है, वो तो बहुत एक ऑर्डिनरी सा पर्सन दिखता है, वो एक बहुत साधारण सा आदमी दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिस्टोर्टेड डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स इन द पेपर यस्टरडे। और फिर जो माया रहती है वो बोलती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑर्डनरी ही दिखते हैं और वो उसने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, उसने उसको तुरंत वापस रिवर्ट बैक जवाब दिया निषाद को। उसने बोला तुमने कल जो पेपर में कल जो निकला था न्यूज़ में हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स का जो पिक्चर का फोटो निकला था तुमने उसको देखा, वो भी बिल्कुल वैसे ही ऑर्डिनरी दिख रहा था। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट निषाद लुक डाउटफुल। और फिर वो बोले कि वो बिल्कुल भी किसी राह चलते आम आदमी की तरह दिखते हैं और वो कुछ ऐसे खास नहीं होते जो क्रिमिनल्स होते हैं। निषाद लुक डाउटफुली, निषाद ने फिर उसको डाउटफुली माया को देखा। द मॉनसून ब्रेक द नेक्स्ट डे डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunders burst with all their fury flooding the streets with a heavy downpour। और जो मानसून था वो अगले दिन आ गया और जो बादल थे वो काले काले, खूब काले काले बादल आ गए, खूब बिजली चमकने लगी, खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होने लगी और खूब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और खूब खूब मूसलाधार जो थी खूब बारिश हुई और जो वहाँ के रास्ते थे वो स्ट्रीट्स थे वो पूरे पानी से भर गए। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर समर हॉलीडे बट नो ट्राफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और जो स्कूल थे वो समर हॉलीडे के बाद खुलने वाले थे बट हमारे जो एरिया का जो ट्रैफिक था वो पूरे फ्लडेड रोड्स जो पानी भरा हुआ था पूरा वहाँ पर इतने ज़्यादा रोड पे पानी भरा हुआ था उस वजह से हमारे एरिया का जो ट्रैफिक था वो मूव नहीं कर पा रहा था तो हमारे स्कूल की जो है अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई थी। आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और माया ने अपना जो टाइम था उसको यूज़ किया और वो अपने डेस्क पे अपने कमरे में बेडरूम में अपने डेस्क पे बैठ गई और उसने एक पेपर शीट पेपर लिया और उसने लिखना शुरू किया। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रॉप एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और माया ने एक ब्लैंक पेपर पे ये लाइंस को खूब बड़े बड़े अक्षरों में अपने पेज पर लिख दिया। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर्स लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन आई आस्क्ड। और फिर जैसे ही आधा घंटा बीतने के बाद उसने टर्न किया, उसने निषाद की तरफ देखा जो कि बेड पर लेटा हुआ था, उसने अपने दोनों हाथ अपने चिन पे रखा हुआ था और वो पेट के बल लेटा हुआ था और वो कॉमिक पढ़ रहा था। फिर उसने माया ने निषाद से कहा कि मैंने कुछ लिखा है तुम सुनना चाहोगे और निषाद ने उससे पूछा।
ही लुक्ड अप कुशनली. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? फिर माया ने बोला कि मैंने उनके सारे क्वेश्चनरीज जितने भी हैं मैंने सुन लिए हैं, और मैंने ये जितने भी फैक्ट्स थे मैंने वो सब चीज़ें लिखी है जो कि हमें उनको ट्रैप करने में हेल्प करेंगी, तो क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन्थ नोडेड. सेवन्थ ने हामी भरी, बोला ठीक है. फैक्ट नंबर वन, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. फैक्ट नंबर वन था क्या कि मिस्टर नाथ का जो पहला नाम है हमें उसको खोजना होगा, क्योंकि मिस्टर नाथ जो है वो उनका पूरा नाम नहीं है. डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क. निषाद ने पूछा क्या तुम्हें उनका रियल नेम पता है? प्रॉबली नॉट, आई सेड. मोस्ट क्रॉक्स हैव एन एलिस, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. और फिर निषाद ने उसे पूछा क्या कि क्या तुम्हें उनका असली नाम पता है माया? उसने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है. मोस्ट ऑफ द जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना नाम जो है वो कुछ दूसरा नाम रख लेते हैं, और विश्वनाथ ने भी ऐसा ही किया होगा. फिर निषाद माया ने उनके नाम के आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फैक्ट नंबर टू, अब जो फैक्ट है जो सच्चाई है वो उसका नंबर टू. आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. और जो मिस्टर शंकर हैं उन्होंने बताया था क्या कि वो पूरी तरह से पागल है, वो अजीब सा है, और वो किसी से बात नहीं करता, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो एकदम से अनफ्रेंडली है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है. नंबर थ्री, He does not talk to anyone and is mannerless. और वो किसी से बात भी नहीं करता, और वो जो है उसके पास बिल्कुल मैनर नहीं है, वो किसी से बात करने के पास तमीज भी नहीं है. But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. Nishad interrupted. और फिर निषाद ने बोला क्या कि वो तो हम लोग से बहुत अच्छे से बात करता है, और मामा बोलती है क्या कि वो तो बहुत पोलाइट है. He's only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. फिर माया ने क्या बोला कि वो सिर्फ हम ही से बात करता है क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, वो मम्मा उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं, इस वजह से उसको हम लोग से बात करनी पड़ती है, और इस वजह से वो मम्मा से भी बहुत पोलाइट से बात करता है. फैक्ट नंबर फोर, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स. और फिर उसका तो कोई लेटर्स वगैरह भी नहीं आता है, उसका तो कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं है. सेवन नोडल, सेवन ने फिर हामी भरी. फैक्ट नंबर फाइव, ही इज बीइंग लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर्स. आई कंटिन्यू. और फिर माया ने बोला फैक्ट नंबर फाइव कि वो जो शंकर हैं, शंकर के वो घर पर एक साल से ज़्यादा रह रहे हैं, जो कि रूम नंबर 10 है वो वहाँ से एक साल से ज़्यादा रह रहे हैं, और उन्होंने अभी तक अपना कोई भी उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. आई कंटिन्यू, माया ने फिर कंटिन्यू की अपनी बातें. फैक्ट नंबर सिक्स, ही डज नॉट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे. फैक्ट नंबर सिक्स जो है वो कोई काम भी नहीं करते हैं, और वो सारा दिन अपने रूम पर ही रहते हैं. फैक्ट नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन्स अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम. और जो शंकर के घर में और जो छोटे बच्चे रहते हैं और जो बड़े रहते हैं वो सब उससे डरते हैं. फैक्ट नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टल फेयर फैट मैन हु विजिटेड हिम ऑन संडे फॉर लंच. और उसके यहाँ ऐसा कोई और आता भी नहीं है, सिर्फ उस आदमी को छोड़ के जो कि हर संडे को उनके यहाँ लंच पर आता है, जो कि चश्मा लगाता है और गोरा है, मोटा सा है, वो ही सिर्फ उनके यहाँ हर संडे को लंच पर आता है. फैक्ट नंबर फाइव, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. और जो खाना और चाय है वो रेस्टोरेंट से जाता है जो कि नीचे डाउन स्टेयर्स पे है, और वो रमेश लेके जाता है. ही
He does not care what he eats. Pay his bills immediately and tips well. That's end my list. Have I forgotten anything, Seven? और फिर माया बोलती है क्या कि वो खाने के लिए कोई भी उसको कोई केयर नहीं रहती अपने खाने की, वो जो भी रहता है वो खा लेता है और वो तुरंत अपने बिल को पे कर देता है और उसको टिप भी बहुत अच्छा देता है। और फिर वो बोलती है कि मेरा जो लिस्ट है अब वो ख़त्म हुआ, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? सेवन, निषाद हैड ऑब्वियस नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन टू माय लिस्ट ऑफ फैक्ट। और निषाद जो रहता है वो बहुत ज़्यादा उसके लिस्ट पर या उसके फैक्ट्स पर अटेंशन पेड नहीं किया रहता है, वो उसकी लिस्ट को बस सिर्फ सुन लेता है। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। और फिर माया क्या बोलती है कि वो बेचारा गरीब बेचारा जो है वो और जो जो निषाद रहता है वो बोलता है क्या कि ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया। और फिर निषाद उसे बोलता है क्या कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बेचारा गरीब, उसके पास वो कितना अकेला है और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। और वो बेचारा कितना अकेला है और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है माया। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और फिर माया जो है वो उसके ऊपर चिल्लाती है, बोलती है क्या कि क्रिमिनल का कोई दोस्त कैसे हो सकता है बेवकूफ। और माया जो है वो चिल्लाते हुए ये बात बोलती है, एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, शेड निषाद। निषाद जो है वो फिर बोलता है कि एटलीस्ट उसके पास एक तो दोस्त है जो कि उसके पास हर संडे को आता है उससे मिलने के लिए। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अ कंप्लेंट इन क्राइम। आई सेड मे बी ही केप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और फिर माया बोलती है क्या कि वो उसके दिमाग में एक फिर बात आती है क्या कि वो उसका कोई पार्टनर होगा उसके उस बिजनेस में जो कि वो चोरी वगैरह करते हैं, उनके क्राइम में वो उसका हेल्पर होगा और वो हेल्प करता होगा और फिर वो उसको संडे को आता है और उसमें जो भी उनका हिस्सा होता है वो उनको आधा आधा या फिर जो भी पार्ट रहता है उसका वो उसको दे देता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज़ इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और फिर जो माया रहती है वो बोलती है कि वो जो पैसे ला करके देता है वो मिस्टर नाथ के एक्सपेंसेस के लिए खर्चे के लिए देता है। और फिर वो बोलती है क्या कि मुझे तो लग रहा है कि मैं सही हूँ, आई एम श्योर मैं राइट हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू माया। और फिर निषाद जो रहता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, वो बोलता है कि अगर तुम उनको बार बार क्रिमिनल बोलोगी तो मैं तुमसे अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। निषाद एंग्रीली, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप। और निषाद जो रहता है वो गुस्से में फिर बोलता है कि अगर वो इतना ही बुरा आदमी है, इतना ही वो ख़राब आदमी है, तो वो रमेश को इतना जेनरस और इतना अच्छा टिप वो कैसे दे सकता है। रमेश प्रॉबली नोन समथिंग अबाउट हिज पास, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ड्रिविंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। और फिर माया बोलती है कि हो सकता है कि रमेश जो है उनके जो भी उनका पास रहा हो, उनकी जो एक्टिविटी रही हो, उसके बारे में कुछ जानता हो, इस वजह से मिस्टर नाथ उसको थोड़ा रिश्वत दे देते हैं, थोड़े पैसे देते हैं जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। निषाद ग्रेट एट मी विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। निषाद जो है वो घूरता है मुझे और फिर वो अपना आर्म जो है वो टाइटली अपने चेस्ट पे क्रॉस कर करके बांधता है और फिर वो मेरी बातों से फिर वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बोर हो जाता है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, सेवन आई आस्क। फिर माया बोलती है कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा, यही तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो हम लोग इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। माया बोलती है आई कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बींग एन एस्केप्ड रॉब,
सेट सेवन, और सेवन जो रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉपरेट करूँगा अगर तुम कोई इस तरह के आइडियाज़ ना दो तो। यू रियली मेक मी एंग्री। और फिर जो माया रहती है वो फिर बोलती है कि तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया, आई एम ऑलमोस्ट हिट मी, और मैंने उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल मार ही दिया था। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। और फिर वो दोनों में आपस में एक झड़प सी हो जाती है। वो बोलती है तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया, यू स्टूपिड, आई शाउटेड। और फिर माया जो है वो चिल्लाती है यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल बना दिया। वॉट इज द और फिर जो निषाद रहता है वो बोलता है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज़ नॉट अ क्रूक। और फिर निषाद बोलता है क्या कि इन सारी बातों का क्या मतलब है इंक्वायरीज करने का अगर वो एक क्रिमिनल नहीं है तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज टेल मी। और अगर तुम ये सोचती हो कि अगर वो कोई नहीं है तो क्या ज़रूरत है उसके बारे में इतनी परेशान होने की और उसके बारे में इतनी इंक्वायरी करने की, बताओ मुझे, प्लीज़ टेल मी। निषाद लुक थॉटफुल, आई डोंट लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज़ सो थिन एंड व्हाई ही इज़ सो लोनली। और निषाद बोलता है क्या वो सिर्फ इतना सोचता है और इतना जानना चाहता है क्या कि वो इतना पतला क्यों है और वो सिर्फ इतना अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई He does not have any friends and lives alone. और मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके पास कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। Try to understand seven. I told him if he is lived in Shankar's house for a year and has not made a single friend, there's something wrong. फिर माया बोलती है कि सेवन तुम समझने की कोशिश करो, वो शंकर के घर में एक साल से ज़्यादा रह रहा है और वो अकेला रह रहा है, उसका अभी तक कोई फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब है कि ज़रूर कोई चीज़ गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप। और फिर वो बोलती है कि यहाँ ज़रूर ऑब्वियसली है कि कोई चीज़ है जो कि उसको डराती है और वो ये सोचता है क्या है कि वो उसको कोई पहचान लेगा और उसको पुलिस को जा कर के बता देगा और उसको पकड़वा देगा। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद ने प्रोटेस्ट करके बोला कि शायद हो सकता है कोई उसको वो अपना फ्रेंड ना बनाना चाहता हो या किसी ने अपने दोस्त बनाने की उसको कोशिश ना की हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. और फिर माया ने बोला कि कोई उसके बारे में क्यों परेशान होगा, तुमने उसको देखा नहीं है, उसकी जो दाढ़ी वाड़ी है वो कितनी अजीब है। I don't care, said निषाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. और फिर निषाद जो बोलता है क्या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अब जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा क्या कि मैं उसका फ्रेंड बन सकूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रॉक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। माया बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, एक तुम क्रिमिनल के साथ दोस्ती करोगे, द कॉप विल टेक यू टू जेल विद हिम, और तुम्हें पुलिस जो है उसके साथ में तुम्हें जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, और माया बोलती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में ऐसा ही हो, क्या तुम जेल जाना चाहते हो। निषाद मेरली ग्रेंस एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम। निषाद जो रहता है वो उसको बहुत बहुत बुरे तरीके से उसको घूरता रहता है और वो फिर चुपचाप उस कमरे से बाहर चला जाता है। माई थ्योरीज सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और फिर माया बोलती है क्या कि मेरी थ्योरी जो है वो मुझे लगता है कि निषाद के ऊपर कोई वर्क नहीं की है और इसलिए उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं जमा पाई है, इसलिए वो चला गया। थैंक यू।